गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग लाइफ साइकिल ऑफ रिगार्ड देखने जा रहे हैं। हम लोगों ने ऑक्सीटोसिन के लेसन या चैप्टर पिछले प्रीवियस लेक्चर में मैंने शुरू किया था, उसमें मैं आपको डेफिनेशन, केमिकल टेस्ट, ड्रग की डिटेल्स पढ़ा चुकी हूँ, रिगार्ड ड्रग को मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको। लेकिन आज जो उसका लास्ट पोर्शन जो है लाइफ साइकिल ऑफ रिगार्ड, हम ये देखने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता भी है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक के साथ में। पहले मैं आपको बता देती हूँ कौन सी स्टेजेस पे हम जोर देने वाले। पहली स्टेज है ओवर विंटरिंग स्टेज, ठीक है, जो विंटर के बाद की जो स्टेज है उसको कहा गया है ओवर विंटरिंग स्टेज। जाहिर सी बात है, जब हम लाइफ साइकिल ऑफ रिगार्ड देख रहे हैं तो क्लाइमेट, सीजन्स, इनका हम कंसिडरेशन करेंगे। तो ओवर विंटरिंग स्टेज ये पहली स्टेज है। सेकेंड है स्टेज ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, जिसको स्क्लेरोटियम स्टेज भी बोलते हैं। और फिर स्टेज ऑफ असेक्शुअल रिप्रोडक्शन, और उसको हम हनीड्यू स्टेज बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे 3 स्टेजेस है। इसका थ्योरेटिकल नोट्स अलग से रहेगा, लेकिन डायग्राम है उसके जरिए हम समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये है स्क्लेरोटम। स्क्लेरोटम कैसा होता है मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा सा बताया था, फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। ये जो रेड प्लांट है, जैसे आपने देखा धान की जो बाली होती है, ठीक है, वैसा ही कंसंट्रेशन करना है। उसमें चावल रहते हैं, धान लगा हुआ होता है, उसमें किसी मतलब जो रहते हैं यहाँ पर कुछ कुछ पोर्शन में क्लाविसेप्स परपुरिया नाम के फंगस का इन्फेक्शन हो जाता है, और ये कन्वर्ट हो जाता है पर्पल कलर के दाने के रूप में, ठीक है, और वो कहलाता है रिगार्ड, जिसमें रहते हैं इंडोलोकोलाइड्स, और वो शो करते हैं ऑक्सीटोसिन एक्टिविटी। मतलब मैंने आपको बताया था लेबर पेन इंड्यूस करना है, अबॉर्शन है, माइग्रेन है, उसमें इसका यूज है। तो अभी देख लेते हैं ये स्क्लेरोटम, ठीक है, जो मैंने यहाँ से आपको बताया है ये स्क्लेरोटम है। ये पूरा रेडी हुआ है अभी, है ना, लेट समर में ये पूरा एक तरीके से मैच्योर्ड स्क्लेरोटम जो है वो तैयार हो चुका है बनके। वहां से हम जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, वहां से हम हमारा फेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो लेट समर में क्या होता है, ये तैयार हो जाता है, एंड जब आखिरी अपने समर का पोर्शन आता है तो ये फॉल ऑन ग्राउंड, ये मतलब जमीन पर गिर जाता है और वहीं पर पड़ा रहता है जब तक कि इसको फेवरेबल एनवायरमेंट मिलता नहीं, तो ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, फॉल ऑन ग्राउंड इन ऑटम, जब पतझड़ लग जाती है तो ये जमीन पे गिर जाता है। आपने भी देखा होगा पतझड़ लगती है तो पूरे पेड़ के पत्ते गिर जाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी ऑटम के सीजन में जमीन पे गिर जाता है, एंड वहां पर फिर ये जर्मिनेट होने शुरू हो जाता है एंड कन्वर्ट होता है स्ट्रोमाटा में, ठीक है। ये देखो उसकी अगली स्टेज है, स्क्लेरोटम इज कन्वर्टेड इनटू स्ट्रोमाटा। वहां पर ऐसे हेड लाइक फंगस के हेड लाइक स्ट्रक्चर्स वहां पर फॉर्म होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। ये जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा के तंत्रिश एक वाला जो हेड है उसको मैंने यहाँ जूम करके बनाया है, स्टोमेटा विथ परिपेशिया। ये जो फ्लास्क शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, हेड है और नेक है, ये जो स्ट्रक्चर को यहाँ पे अलग से देखो तो ये अंदर में जो पोर्शन है दस पोर्शन इज कॉल्ड एज परिपेशिया। तो ये स्टेप हो गई स्टोमेटा विथ परिपेशिया। नाउ अंदर में जो परिपेशिया उसको भी जूम करके बनाया है, परिपेशिया के अंदर रहते हैं एस्काई। एस्काई कैसे कलर से बनाया है मैंने, पर्पल कलर। एक परिपेशिया को कंसिडर करना है, एक एस्काई में होते हैं। अब ये एक एस्काई है, ये दिख रहा है यहाँ पर बहुत सारे एस्काई है, और इसके अंदर में एक एस्काई जो रहता है वो 8 एस्कोस्पोर से बना हुआ होता है, ठीक है। ये हो गया एस्कस विथ एस्कोस्पोर्स। नाउ यहां पर मैं आपको एक सिंगल एस्कोस्पोर को कंसिडर करके बता रही हूँ। यहां से मैंने 8 का एक वंश था, उसको मैंने सिंगल बताया आपको, ये हो गया एस्कोस्पोर। नाउ दिस इज नोन एज मेल गमिट, ठीक है, ये एक मेल गमिट है, एस्कोस्पोर है। और बाजू में ही वहां पर रे प्लांट की फार्म है, पूरा रे प्लांट का खेत है, ठीक है। और जैसे ही स्प्रिंग आता है और विंड चलती, हवा चलती है, तो ये एस्कोस्पोर जो है यहाँ से लिबरेट होते हैं और पहुंच जाते हैं इसकी रे प्लांट के फ्लावर की स्टिग्मा के ऊपर। स्टिग्मा यहाँ जूम करके आपको बताया फेदरी होता है, मतलब ब्रशी, वो जल्दी से एस्कोस्पोर को कैप्चर कर लेता है, ठीक है। अब स्टिग्मा में है फीमेल गमिट, ये है मेल गमिट, फीमेल गमिट और मेल गमिट टुगेदर विल कन्वर्टेड इनटू सेक्सुअल फेस, ठीक है, एंड दे विल फॉर्म दी माइसेलिया। वो क्या करते हैं, माइसेलिया बनाना शुरू कर देंगे। अब माइसेलिया जो रहता है ना, ये एक क्या बोलना चाहिए, थ्रेड लाइक ऐसा कॉटनी मास जैसा रहता है, और इसमें हनी ड्यू बनता है, ठीक है। अभी हनी ड्यू जो है ये अट्रैक्ट होता है इंसेक्ट्स के द्वारा, इंसेक्ट्स और जितने भी है ना वो हनी ड्यू, शुगरी सब्सटेंस, चीटियां वगैरह जो है वो उसको अट्रैक्ट होती है और उसके पास आना शुरू कर देती है। अब दिस माइसेलियम इज कन्वर्टेड, अब ये माइसेलिया जो है सिक्रेट करने लगता है कॉलिडोस्पोर,
ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया शुगरी सब्सटेंस को अट्रैक्ट होने की वजह से इंसेक्ट यहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, ये जो माइसेलियम ने कॉरिडोस्पोर सिक्रेट किया है उसको ले जाते हैं ओवरी तक, और ओवरी में ले जाने के बाद में वहां पर ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू अ डीप पर्पल कलर मास, उसको कहते हैं हाइफे, एंड फर्दर स्टेज ऑफ हाइफे इज कन्वर्टेड इनटू स्क्लेरोटियम और एक नया स्क्लेरोटम बनता है। अब इस फेज को हमने असेक्सुअल फेज बोला है क्योंकि यहाँ पर माइसीलियम और फिर हाइफे और स्क्लेरोटम का कन्वर्जन दिखाया गया है, नो फीमेल गैमेट नो मेल गैमेट इज इन्वॉल्व, कॉनिडोस्पोर जो है वो असेक्सुअल फेज का स्पोर है और गैमेट है जिसकी वजह से असेक्सुअल फेज होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये देख लिया लाइफ साइकिल ऑफ एर्गॉट, जिसमें पहले हम लोगों ने देखी ओवर विंटरिंग स्टेज, मतलब विंटर के बाद क्या होता है, वही ऑटम सॉरी समर और फिर ऑटम, वो फॉल ऑन ग्राउंड, सोमेटा, सोमेटा विप्रतिदिशा, परिदिशा विकसकाय, एस्कोस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स और फिर ओवरी में कन्वर्शन, माइसेलिया, हाइफे, ये हो गई हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली स्टेज जो हमने फर्स्ट दिखाई, फिर दिखाई हमने असेक्सुअल फेज वो हमने सेकंड के नाम से दिखाई। तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया लाइफ साइकिल ऑफ एर्गॉट। थैंक यू।